हेल, हम दुकान लगा के तैयार हो गए जी, और अगर 50% यूट्यूब के शेफ्स की गाड़ी आलू चला रहे हैं, मेरे को इंक्लूडेड, तो बाकी 50% यूट्यूब के शेफ्स की गाड़ी चला रहा है पनीर। तो नमस्कार, अपनी गाड़ी चलाने के लिए पनीर के साथ मैं हूं तैयार। एक साथ दो दो रेसिपीज हैं, बड़ी मजेदार है। मतलब एक तो आपको पनीर पसंदा सीखने को मिल जाएगा, दूसरा पनीर काली मिर्च सीखने को मिल जाएगा। काली मिर्च का पनीर सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 सेकेंड का विश्राम, उसके बाद रेसिपी चालू। ठीक है, सिंपल है, सिंपल ऐसे ही फंसाता हूँ मैं सुषम, सिंपल है, सिंपल सिंपल। जैसे वो गाइड होते हैं ना, वो लेके जाते हैं आपको, अरे आइए 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 आइए, बस वैसे ये वाला है। बाद में बोलूंगा, सब्सक्राइब करो। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, पनीर काली मिर्च बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर और काली मिर्च। नहीं नहीं, पनीर काट के काली मिर्च डाल के नहीं खाना। देखो जी, दो तीन काम करने हैं साथ साथ, ठीक है जी, तो कृपया मेरे साथ बने रहें इस प्रोग्राम में, वरना गाड़ी छूट जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये जी, जितना सफ़ेद प्याज आपको मिले उतना ले लीजिए, क्योंकि वाइट ग्रेवी बनानी है, तो वाइट ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए वाइट अनियन। बगैर अनियन के बन सकती है ग्रेवी? बिल्कुल बन सकती है, उस केस में आपका काजू ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन हम तो अनियन के साथ ही बना रहे हैं जी। और मोटा मोटा कटा हुआ अदरक, बहुत ही सिंपल है, इससे तो सिंपल कुछ होता ही नहीं है। एक बेसिक वाइट ग्रेवी का बेस भी आपको सिखा रहा हूँ, लगे हाथ देख लीजिए। तेल और घी, ये सारी नसीहत जो है ले लीजिए, बुढ़ापे में काम आएगी, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, ठीक है। अदरक लहसुन, खड़े मसालों में जो मन करे डाल दीजिए, लेकिन जो डालेंगे उसको निकालना पड़ेगा बाद में, तो इसलिए ज़रा पर्ची में नोट बना लीजिए क्या क्या डाला है, नहीं तो रंग खराब हो जाएगा ना। ये ग्रेवी की मोनोपोली यही है कि रंग नहीं आना चाहिए, लेकिन बुनाई होनी चाहिए हल्की सी, सीधा डाल के उबालना नहीं है उसको, ठीक है जी। मतलब ये ग्रेवी सीख गए अगर आप, तो फिर आसान है ना, है ना। फिर आप काली मिर्च का पनीर, काली मिर्च के मशरूम, काली मिर्च का मुर्ग, जो मर्जी बना लीजिए, रंग नहीं आने देना, गैस बिल्कुल स्लो करके धीरे धीरे लगे रहना है। अब तीखेपन के लिए मैं 2 हरी मिर्च डाल रहा हूँ, 4 टुकड़े करके, ये भी निकालनी है बाद में, याद रखिएगा। इससे क्या है, तीखापन तो आ जाएगा ग्रेवी में, लेकिन आपको समझ नहीं आया कहाँ से आया, क्योंकि हरी मिर्च हम निकाल देंगे। जैसे ही रंग आने लगे वैसे ही डालिए काजू, काजू को भी हल्का सा तेल में घुमा लें, क्यों, क्योंकि जो काजू की कई बार पुराने रखे रखे एक ऑफ स्मेल आ जाती है, वो निकल जाएगी। हेलो जी, हो गया ब्यूटीफुल, हेलो जी, ये गया दही, ठीक है ना, और ये गया पानी, वेस्ट कुछ नहीं करते हम, लेकिन पानी से पहले दही को हल्का सा मिक्स कर लें, ताकि दही का भी जो उफान है, जो एक ऑफ स्मेल होती है ना, वो निकल जाए। कितने अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, इसलिए ताकि अच्छे से बने आपका, नहीं तो आपकी बेइज्जती अलग होगी, मेरी बेइज्जती अलग होगी, और आपके रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था दही को पहले भून लेना है, फिर डालना है पानी, और पानी इतना कि सिर्फ कवर करना है, ठीक है जी, लस्सी नहीं बनानी, ठीक है, ये जो प्याज और काजू जो है कवर हो जाए बस उतना। नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च एंड डन। सफ़ेद सफ़ेद ग्रेवी सफ़ेद होनी चाहिए, गैस करो बंद, बस बेस जो है वो है प्याज, दही और भगवान भला करे थोड़े से काजू, अगर आप चाहे तो छिले हुए बादाम भी डाल सकते हैं, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी। इसको ठंडा होने दे रहा हूँ मैं, इसको निकाल के रख लेता हूँ, ठंडा इसलिए होने दे रहा हूँ कि एक तो मिक्सी में अपना हाथ नहीं जलना चाहिए, दूसरा वो जो मसाले हमने डाले हैं वो निकालने भी है ना, ठीक है, और पनीर पे आ जाते हैं इन द मीनवाइल। अभी पनीर के आप सिंपल क्यूब करके भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पसंदा बनाना है, मैंने कहा लगे हाथ जो है एक भैंस के सामने मैं 2-3 बीन बजा दूँ एक साथ, तो इसलिए पनीर को ऐसे परफेक्ट चौरस में काट लीजिए। परफेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्शन तो भगवान में होता है, जितना परफेक्ट आप कर सकते हैं। अब उसके बाद जो पनीर की ट्रिमिंग्स हैं उनको निकाल लीजिए, उसके अंदर डालिए ढेर सारे चॉप नट्स, अगर ये नट्स नहीं डालने तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप सिंपल पनीर को क्रम्बल करिए, उसके अंदर हरी मिर्च डालिए, बारीक कटा हुआ अदरक डालिए, बारीक कटा हुआ पुदीना डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और काम हो जाएगा, लेकिन किशमिश ज़रूर डालिएगा, किशमिश का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। हेलो जी, ठीक है, नट्स हो गया, पुदीना हो गया, हरी मिर्च थोड़ी तीखी वाली और थोड़ी कम तीखी वाली, अदरक
बेसिकली खेल कुछ नहीं है, खेल वही है, अदरक हरी मिर्च और धनिया पुदीने का चटकारा है, हल्की सी मिठास है और नट्स की क्रंच है। बस कोई भी इंग्रेडिएंट डालें तो हमेशा आपके अंदर एक मशीन चलती रहनी चाहिए कि कर क्या रहा है मेरी डिश में, क्योंकि जब आप बेमतलब खाने में चीज़ें डालना बंद कर देंगे तब अपने आप अच्छे शेफ़ बन जाएंगे। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट आपकी डिश में कुछ नहीं कर रहा तो फिर डेफिनेटली मत डालिए। लेस इज़ मोर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कुकिंग एंड लाइफ। लो जी, डंडी डुंडी सब पानी है पनीर में तो निकाल लीजिए, उसके बाद ये सारा मामला इसके अंदर डाल दीजिए। अब अगर आपको लगता है कि फिर भी पानी था आपके पनीर में, आपसे निकला नहीं, तो दो काम कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल इतनी फिलिंग में 1/4 टीस्पून रवा डाल सकते हैं, दूसरा थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं। नमक ये ऑप्शनल है लेकिन मैं डालता हूँ ठोक के, देगी मिर्च, ठीक है, रंग वाली है इसलिए ठोक के डाल रहा हूँ। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, किसी को चटपटा चाहिए होता है और उनके लिए ये देगी मिर्च जो है मैं ज़रूर डालता हूँ फिलिंग में। एक तो देगी जो है वो रंग देगी और दूसरा देगी जो है वो चटकारा देगी, ठीक है, इसलिए देगी ज़रूर डालिए क्योंकि देगी आपकी डिश को देगी, लेगी नहीं। और टेंशन मत लीजिए, बहुत स्पाइसी हो गया ना अगर ये फिलिंग तो भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि पनीर की सैंडविच के बीच में आएगी ये फिलिंग। चलो जी, अभी ये ग्रेवी का पेस्ट बनाना है, सारे खड़े मसाले निकालने हैं, हरी मिर्च निकालनी है और पेस्ट बनाना है। लेकिन हरी मिर्च निकालते समय अच्छे से उसको निचोड़ लीजिएगा ताकि हरी मिर्च का तीखापन रह जाए। ओके, ये जा रहा है पेस्ट बनने। जितना पानी आप निकाल सकते हैं पनीर का उतना निकाल लीजिए, इजी हो जाएगा काम करना आपके लिए। पनीर के ऐसे स्लाइस काटने देखिए। अब मैं चाहूँ तो शो ऑफ करने के लिए बहुत पतले पतले स्लाइस काट सकता हूँ लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ लीजिए दिया सलाई होती है ना, मैच स्टिक से बड़ा पनीर का स्लाइस काटना है। पसंदा जो शब्द है उसके बारे में बात कर ली जाए, पनीर का जो पसंदा है वो ये है, ठीक है ना, और जो हम बनाने वाले हैं वो है भरवा पसंदा। तो जो ज़्यादातर शादियों में पनीर पसंदा बोल के मिलता है वो पनीर का भरवा पसंदा होता है। और पसंदा क्या होता है, पसंदे को पसंदा क्यों कहते हैं, ये सारी बातें कर लेते हैं। देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि वेस्टर्न क्विजीन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनके किचन बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, हर चीज़ का नाम होता है। अब वेस्टर्न क्विजीन में मीट को लिया जाता है, ऐसे पतले पतले स्लाइस किया जाता है, उसको बोल दिया जाता है एस्कलोप, एस्कलोप या स्कैलप, राइट। और मीट के एस्कलोप्स को वो तल देते हैं और मैं ऐसे सेक के और ब्रेड क्रम लगा के कटलेट्स बना लेते हैं। हमारे यहाँ उसको एस्कलोप नहीं पसंदा बोल देते हैं, है? मतलब वही बेसिकली, लॉन्ग कटलेट्स ऑफ थिनली स्लाइस्ड मीट इज नोन एज पसंदा। तो कभी भी आप अगर गोश्त लें और उसको पतला 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 स्लाइस करें, उसकी चाहे करी बनाएं कबाब बनाएं, वो पसंदा है अंग्रेज़ों के लिए एस्कलोप। क्योंकि हम पसंदा बोलते हैं तो शायद उतना ग्लैमर नहीं आ पाता उसके अंदर। पनीर के साथ भी यही, पुराने टाइम में ही कहा जाता था कि जो पुराने खानसामे होते थे वो ऐसे गोश्त का टुकड़ा लेते थे और उसको ऐसे छीलते जाते थे और बिल्कुल कागज़ की तरह पतला पसंदा ऐसे निकल आता था पूरा लंबा, और उनको चेहरा जो है आर पार दिखता था अपना, इतने पतले एस्कलोप्स वो काटते थे। अभी पता नहीं फ्रेंच शेफ्स उतने पतले एस्कलोप्स काट पाते हों या ना काट पाते हों, लेकिन अगर आप बाहर जाएं कहीं मेन्यू पे पढ़ें एस्कलोप्स तो अपने पसंदे को याद कर लीजिएगा। और अगर कोई बाहर का शेफ बहुत तड़ी मार रहा हो एस्कलोप के बारे में तो ज़रा उसे पसंदे की कहानी सुना दीजिएगा, वो पतली वाली। अब तो बहुत सिंपल है, सैंडविच बनाना है, पसंदा सैंडविच। अभी आप समझे मैंने क्यों इतनी देगी डाली इसके अंदर, क्योंकि देगी जो है अब रंग भी देगी और चटकारा भी देगी, वरना ब्लैंड ब्लैंड हो जाएगी डिश। देखिए, अब आप चाहें ना जो ये स्टफ्ड पसंदा आपने बनाया है इसको बेक भी कर सकते हैं, इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका असली मज़ा है वो डीप फ्राई में है, समझे आप। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि फिलिंग लाल ही बनानी है अपने को, आप चाहें तो फिलिंग हरी भी बना सकते हैं। पालक का पेस्ट डाल दीजिए, धनिया का पेस्ट डाल दीजिए, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए। ये देखिए, ऐसे दबाया नाइफ से, नाइफ से दबाएगा टूटेगा नहीं ना, उसके बाद ऐसे पुश कर दिया बैक ऑफ नाइफ से, दोनों तरफ पसंदा है, बीच में स्टफिंग। आप चाहें तो ऐसे ट्रिपल डेकर भी बना सकते हैं, नीचे लाल स्टफिंग फिर पसंदा फिर हरी स्टफिंग, आप चाहें तो ऐसे सिंपल डबल डेकर भी बना सकते हैं। मोटा मोटी यहाँ तक आपको पहुँचाना है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है जी।
ये गया मैदा, ये गया कॉर्न स्टार्च, नमक, थोड़ा सा वाइट विनेगर, पानी। ये बनाना है जी लिजाम। लगभग दो भाग मैदा, एक भाग कॉर्न स्टार्च, और अगर आप बहुत क्रिप्सी क्रिप्सी करना चाहते हैं तो एक और एक भी कर सकते हैं, एक भाग मैदा एक भाग कॉर्न स्टार्च। अब अच्छे से पसंदे को सब तरफ से कर देना है कवर। ये लीजिए, पसंदे को अच्छे से सब तरफ से कर दिया कवर। उसके बाद देखिए, इसकी ब्यूटी वही है, गैस लो रखिए, इसे रंग नहीं आ रहा ना, रंग नहीं आना चाहिए। जो दूसरा फार्मूला है वो ये है कि थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लें, सूखा हुआ कॉर्न स्टार्च अपना जो पसंदा है, उसको पहले कॉर्न स्टार्च में हल्का हल्का डिप कर लें, सील कर लें, ऐसे एटलीस्ट साइड्स सील कर लें, एंड डन। देखो जी, कलर नहीं आने दिया हमने, ठीक है ना, है सफ़ेद का सफ़ेद ही, लेकिन गर्म हो गया, पक गया। बट तेल वेल का मैरिनेशन ना करें पसंदे पे। अगर आपने डीप फ्राई करना है तो तेल के मैरिनेशन का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने पैन पे फ्राई करना है तो हल्का सा तेल लगा लें, ठीक है जी। सब बता दिया मैंने, वरना आप कहते कॉर्नस्टार्च को थोड़ी देर छोड़ने से क्या है कि उसने पकड़ तो लिया लेकिन गायब हो गया, तो इसलिए कॉर्नस्टार्च में डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद सिर्फ अपना लिजाम लें। अब लिजाम भी बराबर चिपकेगा, आपकी डबल प्रोटेक्शन भी हो गया आपका, है ना, मतलब आम के आम और बांसुरी के दाम। जो तुमको हो पसंद वही पसंद बनाएंगे। तेल जो है वो मीडियम स्लो, बिल्कुल स्लो भी नहीं। पसंदा जो है तेल पी जाएगा, फिर आपको पसंद नहीं आएगा। ब्यूटीफुल। छोटे छोटे बेबी बेबी रोल्स भी बना के ऐसे फ्राई कर सकते हैं। ये लास्ट वाला रह गया, क्या होता है वो अंग्रेजी में, नेवर लीव अ मैन बिहाइंड। तो इसको कैसे छोड़ दें, जो मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला है ना, विनेगर डालने से क्या होता है, विनेगर डालने से क्रिस्पीनेस बढ़ती है, करारापन बढ़ता है, और दूसरा सफ़ेदी बढ़ती है। तो इसलिए अगर है तो थोड़ा वाइट विनेगर डाल लें। हेलो जी, है ना, फर्स्ट क्लास। तो बस अभी ग्रेवी का प्रोग्राम करना है। सिर्फ दो छोटी इलायची और एक हरी मिर्च डाली है मैंने, हरी मिर्च में हल्का सा कट मार लें, फट जाएगी। और उसके बाद ग्रेवी, पानी डाल दिया तो अभी ग्रेवी धीरे धीरे पकेगी, रंग खराब नहीं होगा इसका। तो पानी डाल के भुनेंगे तो चलेगा, ताकि हींग लगे ना फिट करी और हाथ कंगन को आरसी भी हो जाए, ठीक है ना, समझ गए ना। थोड़ा पानी बस, इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है ग्रेवी का, सिमर करना है इसको, उबाल उबाल के चाय नहीं बनानी इसकी, ठीक है जी। ये लीजिए हमारा पसंदा जो है, अभी फर्स्ट क्लास गर्म है, दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस आइटम का नाम होना चाहिए पनीर तीरंदाज। खुशबू तो कुछ और ही कह रही है, मतलब खुशबू कह रही है कि भाई हो मोरे सैया बड़े तीरंदाज रे, मिले हमका भूल गए आज रे, मोरे पनीरवा बड़े तीरंदाज रे। हेलो जी, अब ये वाइट ग्रेवी जो है ना, ये रामबाण है, इसको जहाँ मर्जी यूज़ करिए, ठीक है। थोड़ा पतला करना है, पतला कर लीजिए। मुझे जो है वाइट ग्रेवी रिच अच्छी लगती है, थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, इसलिए इसको मैं थोड़ा गाढ़ा रखता हूँ। अच्छा, ड्राई मिंट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई मिंट अगर आप पनीर के साथ डालना चाहें तो डालिए, नॉन वेज के साथ ड्राई मिंट इतना अच्छा नहीं रहेगा। नॉन वेज के साथ काली मिर्च का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर बहुत है, और ये छोटी इलायची का पाउडर, और अगर रोगन है ना, तेल का रोगन, हल्का सा एकदम लाल रोगन डाल दीजिए, और मतलब क्या कहते हैं उसे, सोने पे चबूतरा। बस दो तीन चीज़ें ध्यान रखें, एक तो ये कि पैकेट वाला पनीर ना लें, डेयरी वाला पनीर लें, है उसमें लचीलापन होता है, दूसरा पानी निकालते रहें उसका, तीसरा अंदर की फिलिंग को दबा के तीखा बनाएं, क्योंकि बाहर की ग्रेवी भी माइल्ड है, पनीर भी माइल्ड है, अंदर की फिलिंग तीखी होनी चाहिए। चौथा और सबसे ज़रूरी, चाहे पसंदा आपको पसंद हो या ना पसंद हो, बनाएं ज़रूर, और चाहे मैं आपको पसंद हूँ या ना पसंद हूँ, शेयर ज़रूर करें, नहीं तो हम नहीं आएंगे दोबारा।
वाह भाई वाह, काजू किसी भी चीज़ में डाल दो टेस्टी हो जाता है।